नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। त्योहारी सीजन में पंजाब में नकली खोया मावा का व्यापार भी बढ़ गया है। गुरुवार सुबह राजस्थान से अमृतसर पहुंची प्राइवेट बस में रेड सहित सेहत विभाग की टीम ने 8 क्विंटल खोया व मिठाई को जब्त किया है। सेहत विभाग काफी देर से उसे आकर लेने वालों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसे क्लेम करने नहीं पहुंचा। जिसके बाद सैंपल लेकर खोए को जांच के लिए भेज दिया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर रजिंदर पाल सिंह ने बताया कि उन्हें राजस्थान से खोए के अमृतसर सप्लाई होने की जानकारी मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर सुबह 4 बजे उन्होंने बस स्टैंड समेत नाका लगा दिया था। जब एक प्राइवेट बस स्टैंड के सामने मार्केट में पहुंची तो इसकी जांच शुरू की गई। बस में से तकरीबन 8 क्विंटल खोया और 4 डिब्बे शाही टुकड़े मिले हैं, जिन्हें बस की छत पर रखा गया था। नीलम बस सर्विस के ड्राइवर जुगल ने जानकारी दी कि वह बीकानेर से यह माल लेकर आया है। अमृतसर की जिस पार्टी का माल है वह उसे लेने पहुँच रही है। माल क्या है उन्हें यह जानकारी नहीं है। 3 व्यक्तियों के नंबर उनके पास थे, जिन्हें उन्होंने सरकारी अधिकारियों को दे दिया है। वहीं कुछ बोरियों पर हजारी सिंह का नाम दर्ज है। रजिंद्र पाल सिंह ने जानकारी दी, 16 बोरियों और 4 डिब्बे शाही टुकड़े के जब्त कर लिए गए हैं। यह सप्लाई बीकानेर से हुई थी। 3 व्यक्तियों के नंबर ड्राइवर के पास थे, जो हजारी, बाबू और गोपाल हैं, जिन्हें फोन करके बुलाया गया है। अगर पार्टी नहीं पहुंचती है तो उनकी डिटेल निकाली जाएगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।